हे गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कैसे आप इस तरीके की हैवी सीक्वेंस वर्क की चमक धमक ब्लिंगी साड़ी को स्टाइल कर सकते हैं इन अ वे दैट इट लुक्स ग्रेसफुल एंड एलिगेंट। कई बार इस तरीके की साड़ीज में ऐसी फीलिंग आ जाती है, कहीं मैं ओवर ड्रेस तो नहीं लग रही, तो मुझे लगा आज मैं कुछ सजेशंस शेयर करती हूँ कि एज अ स्टाइलिस्ट मैं ऐसी साड़ीज को कैसे स्टाइल करना प्रेफर करती हूँ। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई वॉन्ट यू टू नो कि आज मैं एक नहीं बल्कि दो साड़ियाँ स्टाइल करने वाली हूँ। दूसरी साड़ी सिल्क में है और वो भी काफ़ी हैवी साड़ी है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको दोनों लुक्स बहुत पसंद आएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेरी टिप होगी रिगार्डिंग द ब्लाउज। यहाँ मैंने सीक्वेंस वर्क की साड़ी को एक प्लेन ब्लैक ब्लाउज के साथ पहना है, जो मैंने कुछ महीनों पहले एक्चुअली ज़ारा से खरीदा था। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपने ये ब्लाउज पहले भी देखा होगा। मैंने 5-6 बार इस ब्लाउज को अलग अलग साड़ीज के साथ स्टाइल करा है। एंड सच बताऊँ, जब मैंने मार्च में ये ब्लाउज खरीदा था तो मैंने ये 2500 का लिया था ज़ारा की वेबसाइट से, एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैंने 2500 रुपये एक ब्लाउज पर उड़ा दिए। बट बिलीव मी, दीज आर लाइक द बेस्ट 2500 रुपीज आई हैव एवर स्पेंट, क्योंकि दिस ब्लाउज हैज एक्चुअली बीन अ गेम चेंजर टू माई साड़ी स्टाइलिंग गेम। अगर आपके पास साड़ी के साथ का ब्लाउज पीस हो तो आप प्रेफर करें कि आप ओपन नेक का ब्लाउज सिलवाएं, और स्लीव्स के लिए सिंपल रखें स्लीव्स को, और छोटी छोटी वो मेगा स्लीव्स होती है ना, वैसा ब्लाउज स्टिच करवाएं। स्टिचिंग करवाते वक्त कोई भी पाइपिंग, पफ, हाई नेक, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। सिंपल और मिनिमल रखें अपने ब्लाउज को, क्योंकि साड़ी अपने आप में इतनी हैवी है। एज अ स्टाइलिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ब्लाउज को सिंपल रखें। आपको ये देखकर एक्चुअली समझ आ ही गया होगा कि ये साड़ी मेरी मम्मी को बिलोंग करती है, और उन्होंने 2006 या 7 में ये साड़ी खरीदी थी। तब मेरे कज़न ब्रदर की शादी थी, एंड आई क्लियरली रिमेंबर सारी मासियाँ साउथएक्स या लाजपत नगर कहीं तो गई और इस तरीके की सीक्वेंस वर्क की साड़ीज खरीद के लाई। आई रिमेंबर एट दैट टाइम दीज साड़ीज वर अ रेज। तब से अब तक मम्मी ने बहुत बार ये साड़ी पहनी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही जब मेरी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट थी तो उन्होंने ये साड़ी फिर से पहनी थी। सो दीज आर टू ब्लाउज स्टाइल्स दैट आई विल रिकमेंड यू कीप इन माइंड व्हेन नेक्स्ट टाइम यू गेट अ ब्लाउज स्टिच्ड फॉर अ हैवी साड़ी। मूविंग ऑन टू ज्वेलरी, अब ज्वेलरी के लिए आप दो तरीके प्रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट वुड बी अ चोकर नेकलेस, जो गले से चिपका हुआ है जैसे मैंने पहना है। एक्चुअली ये चोकर भी मैं रीस्टाइल कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर ये चोकर खरीदा था चांदनी चौक से, और तब मैंने गरबा चौथ पर भी पहना था ये चोकर, फिर मैंने लहंगे के साथ भी पहना, और इस बार मुझे लगा कि साड़ी के साथ भी ये चोकर चला जाएगा, बिकॉज इनकी बीड्स और साड़ी का मरून काइंड ऑफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अगर आपको चोकर स्टाइल नेकलेसेस नहीं पसंद, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप पर लॉन्ग नेकलेसेस सूट करते हैं, तो आप इस तरीके का लॉन्ग नेकलेस प्रेफर करें जैसा मेरी मम्मी ने पहना है। इंसिडेंटली ये नेकलेस भी उन्होंने रीस्टाइल करा है, ये मेरा ब्राइडल नेकलेस है। एंड इस नेकलेस की जो खास बात है दैट इज कि ये सिंपल है, इसमें मरून कलर के सिंपल बीड्स हैं, कोई बहुत ज्यादा जड़ाऊ रानी हार टाइप्स नहीं है, काफी सिंपल है। एंड दैट इज व्हाई ये लॉन्ग होने के बावजूद भी एक हैवी साड़ी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एज अ स्टाइलिस्ट मैं आपको एक थंब रूल बता रही हूँ कि अगर आपका आउटफिट हैवी है, ज्वेलरी, हेयर, योर मेकअप, एक्सेसरीज, सब चीज़ को मिनिमल रखो। बेसिकली यू हैव टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल हारमनी वेर इन एवरी एलिमेंट इज कॉम्प्लीमेंटिंग द मेन एलिमेंट। चूड़ियों के लिए भी मम्मी ने चूड़ियाँ पहन ली, 3-4 सिंपल। आप चाहो तो मेरी तरह एक मोटा बैंगल भी पहन सकते हो, स्टेटमेंट रिंग पहन सकते हो, बट बहुत ज़्यादा भरी हुई खूब सारी चूड़ियाँ थोड़ा हैवी साड़ीज़ के साथ अवॉइड करना। और मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने जैसे मैंने पहले बताया था, बट ईयरिंग्स आप पहन सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कमिंग ऑन टू मेकअप, मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई है, बट मम्मी ने आप देख लो डार्क लिपस्टिक लगाई है क्योंकि उनको डार्क लिपस्टिक पसंद है, बट ओवरऑल उनका मेकअप सिंपल है। सो अगेन द आइडिया इज कि आप डार्क लिपस्टिक लगाओ, आप न्यूड लगाओ, आपकी मर्जी, बट ऑल ओवर पूरी वाइब अपनी सिंपल रखना ताकि सब कुछ साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करे।
एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ हाउ आई स्टाइल दिस सारी. मैंने सिंदूर भी लगा लिया एंड सिंदूर लगाने के बाद बिल्कुल एक न्यू ब्राइड वाली फीलिंग आ रही थी और बड़ा मज़ा आया ये साड़ी पहनकर. मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि साड़ी पहनकर मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसी ब्लिंग साड़ीज़ कभी पसंद नहीं आई, टू टेल यू द ट्रुथ. बट आई सरप्राइजिंगली एन्जॉयड इट. आई गेस द आइडिया इज़ कि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से स्टाइल करो तो वो प्यारी ही लगती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लुक. सो नेक्स्ट लुक के लिए मैंने एक हैवी बनारसी साड़ी स्टाइल करी. ऑल ओवर साड़ी प्लेन है, सिल्क की है और डीप एमरल्ड ग्रीन में है, विच लुक्स गॉर्जियस ड्यूरिंग द नाइट. बट इसका बॉर्डर हैवी है और पल्ला भी इसका हैवी है. इस साड़ी की एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने 1994 या 1995 अराउंड दैट टाइम पहनी थी, और तब उन्होंने ये साड़ी पहनी थी मेरी मासी की शादी के लिए. सो इट वॉज फॉर हर सिस्टर्स एंगेजमेंट दैट शी वोर दिस साड़ी. एंड हियर इज अ लिटिल फैमिली पिक्चर, पापा के साथ मम्मी खड़ी है, डेफिनेटली लुकिंग अ लॉट यंग. और मुझे ऐसा लगा मैं उनके जैसी लगती हूँ. आई डोंट नो, आई फेल लाइक दैट. एंड तब मम्मी ने एक प्लेन ब्लैक ब्लाउज के साथ ये साड़ी पहनी थी. मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक सिंपल ब्लैक ब्लाउज के साथ ये साड़ी पहनूंगी, तो मैंने वही ब्लाउज जो पहले पहना था साड़ी के साथ, सीक्वेंस वर्क की, उसी ब्लाउज को रिपीट करा. एंड बाकी मैंने ज्वेलरी के लिए इस बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया. व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने अपना नेकलेस हैवी कर लिया. सो नेकलेस के बारे में दो मिनट बाद बताती हूँ, सबसे पहले बालों के बारे में बताती हूँ. अब क्योंकि मुझे हैवी नेकलेस पहनना था, तो मैं चाहती थी कि बाल जूड़े में हो ताकि मेरा नेकलेस शाइन करे. इसीलिए मैंने एक साइड पार्टिंग प्यारा सा जूड़ा बना लिया जो मेरे छोटे बालों में बन सकता था. मैं पफ जूड़ा भी एक्चुअली बनाना चाहती थी, बट उसमें मांग निकल रही थी तो मुझे लगा रिस्क नहीं लेते, साइड पार्ट वाला जूड़ा बना लेते हैं. एंड उसके बाद कम्स द मास्टरपीस, दैट इज द नेकलेस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये नेकलेस एक्चुअली मुझे एक इंस्टाग्राम स्टोर ने भेजा है. एंड मैं आपको सच बात बताऊँ, इस तरीके की कुंदन ज्वेलरी मैं मोस्टली चांदनी चौक से लेना प्रेफर करती हूँ, बट इस लॉकडाउन में मैंने कुछ इंस्टाग्राम स्टोर्स एक्सप्लोर करे एंड मुझे एक काफ़ी प्यारा बुटीक मिल गया जिसपे अच्छा कलेक्शन मिलता है, स्टाइलिश होता है और क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है. सो डू चेक देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो मैंने ये नेकलेस पहना, इस नेकलेस के साथ ये स्टड टाइप इयररिंग्स हैं और एक स्टेटमेंट फिंगर रिंग भी है. एंड बस उसके बाद फिर मैंने थोड़े से टचअप्स करे. पहले तो मैंने हाईलाइटर लगा लिया. मैं हमेशा स्लीवलेस ब्लाउज, ओपन नेक ब्लाउजेस के साथ हाईलाइटर लगाती हूँ, बिकॉज यू वॉन्ट टू शाइन फ्रॉम विद इन यूजिंग हाईलाइटर्स. एंड फिर मैंने काजल को थोड़ा सा डार्क कर लिया, लिपस्टिक भी मैंने थोड़ी सी डार्क कर ली. पहले मैंने एक प्रॉपर न्यूड लिपस्टिक लगाई थी, दिस टाइम आई वॉन्टेड टू एड अ डीपर अंडरटोन ऑफ ब्राउन. ऑल्सो मैंने बैंगल्स भी पहने. ये बैंगल्स एक्चुअली सेट के साथ नहीं आए थे, ये मेरे पास पहले से पड़े थे, बट दे वर ग्रीन एंड गोल्ड एंड आई वॉज लाइक हु केयर्स, पहन लो, मैच कर रहा है, चलेगा चलेगा. सो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप स्टाइलिंग दिस लुक. मुझे बहुत पसंद आए दोनों लुक्स. दोनों का अपना ग्रेस है, दोनों का अपना चार्म है और दोनों अपनी जगह बहुत सुंदर लग रहे हैं. सो इस करवा चौथ या दिवाली या अपकमिंग कोई वेडिंग हो जिसको आपने अटेंड करना है, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग मे बी विद योर मदर इन लॉ साड़ी और मदर साड़ी. कुछ अपने ब्लाउज के साथ मिक्स करो, कुछ उनकी ज्वेलरी के साथ मिक्स एंड मैच करो एंड मे बी ट्राई रीस्टाइलिंग योर हैवी साड़ी. एंड मुझे ये भी बताना कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आया. मेरा पर्सनल फेवरेट तो ग्रीन लुक ही रहेगा, बिकॉज ये ग्रीन साड़ी मैं आपको बताऊँ, जब से मैं 13 या 14 ईयर्स की थी तब से मेरी नज़र थी इस साड़ी पर कि कभी मुझे ये पहनने को मिले. आई एम श्योर एवरी गर्ल कैन रिलेट टू दिस एंड आई एम सो हैप्पी फाइनली आई वोर दिस साड़ी एंड आई एम felt like a queen. That is it for this video today. If you enjoyed it, do give it a thumbs up. Thank you for watching this video. Dhyan rakhna. Bye.